नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जो आज मैंने एक टॉपिक लिया है, आप अपना कोई भी गोडाउन बनाने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का गोडाउन बनाने जा रहे हैं, चाहे आप प्लाई बोर्ड का ही गोडाउन क्यों नहीं बनाने जा रहे हो, आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मैं जानकारी दे रहा हूँ प्लाई बोर्ड के गोडाउन के बारे में, लेकिन आपका अपना गोडाउन किसी भी चीज़ का है, किसी भी आइटम का है। आप अपने यहाँ पे नया स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, किस पर्पज़ से? गोडाउन के पर्पज़ से। स्ट्रक्चर बिल्डिंग किस तरीके से बनानी है और वास्तु के हिसाब से किस एरिए को ऊंचा करना है, किस एरिए को नीचे करना है, कहाँ कहाँ गेट आने चाहिए। आपने अपने गोडाउन को अपने प्लॉट के अंदर चारों तरफ से ओपन रखना है, क्योंकि प्लॉट का साइज आपका बहुत बड़ा है। ये सब चीज़ों की जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप चाहते हैं अपनी किसी साइट का नक्शा भेजकर सलाह लेना तो सलाह ले सकते हैं। आप अपने यहाँ का किसी साइट का नक्शा बनवाना चाहते हैं, नक्शा ही बनवा सकते हैं। और आप अपनी किसी साइट के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी आप बनवा सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको प्लॉट के अंदर कहाँ क्या क्या किस किस तरीके से सेटअप करना चाहिए। सबसे पहले मैं बिल्डिंग बनाने के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपके अपने प्लॉट की जो फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है, यानी कि पश्चिम मुखी। आपको अपना प्लॉट बनाना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपके अपने प्लॉट का जो फर्स्ट लेवल है वो रोड के फर्स्ट लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। इसमें आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका जरूर ध्यान रखना है, कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊंचाई भी इतनी जरूर रखें कि आपके यहाँ पर गाड़ी को अंदर आने में दिक्कत नहीं हो। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप अपने प्लॉट का फर्स्ट लेवल ऊंचा कर देंगे तो आपके यहाँ जो गाड़ी माल लेके आएगी उसको अंदर तक आने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहूँगा रोड के लेवल से आप अपने प्लॉट का लेवल ऊंचा जरूर रखें, कंफर्टेबल ऊंचा रखना है, जरूर से ज़्यादा नहीं और इतना भी नहीं कल को आने वाले समय में सड़क ऊंची उठने लगे तो उसके हिसाब से आपका प्लॉट नीचे चला जाए, आपकी बिल्डिंग नीचे चली जाए। इस चीज़ का ऊंचाई रखते हुए आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्लॉट की फ्रंट की दीवार होगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक, ऐसे ही साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। ये आपकी आउटर बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल को बनाते हुए आपने सबसे पहले जो पूजा करनी है, जहाँ पंडित जी बताएं, जिस टाइम पर बताएं, उस हिसाब से आप उस स्थान पर आप पूजा कर लीजिएगा। मेरा अनुभव तो ये कहता है पूजा हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट जोन में ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन पूजा करते हुए हमेशा ही ध्यान रखिएगा, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में करें, चाहे आप कहीं भी करें, जब भी आप पूजा करने के लिए जो स्थान चुने उस स्थान पर कोई पिलर नहीं आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसी स्थान पर कोई टॉयलेट की लाइटिंग की पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए, उसी के ऊपर लाइटिंग नहीं बननी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ पूजा करने के बाद जब आपके यहाँ पानी के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाए या समर्सिबल लगाया जाए, बोरवेल की जाए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, वहाँ उस स्थान पर नहीं आए। कहाँ पर? पूजा वाले स्थान पर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपने सेट की भी दीवारें बनानी है। पहले आपने वेस्ट की दीवार बनानी है, फिर आप साउथ की दीवार बनाएंगे, फिर आप ईस्ट की दीवार बनाएंगे, बाद में सबसे लास्ट में नॉर्थ की दीवार बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्रंट में वेस्ट की दीवार साथ लेके चलेंगे, साथ में साउथ की दीवार लेके चलेंगे। ये दोनों दीवारें आपकी ईस्ट की दीवार से और नॉर्थ की दीवार से हमेशा ही ऊंची रहे। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है हमेशा ही साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार।
ईस्ट की दीवार से और नॉर्थ की दीवार से ऊंची रहे। कब तक? जब तक आप बिल्डिंग बना रहे हैं। कभी भी चाहे आउटर बाउंड्री वॉल की हो चाहे इनर कोई भी दीवार हो, वो साउथ की और वेस्ट की दीवार से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग तैयार होने की और आए तब भी आपने एक रद्दा, दो रद्दे, चार रद्दे, फुट दो फुट साउथ की दीवार ऊंची करनी है, ऐसे ही वेस्ट की दीवार ऊंची करनी है। किन के मुकाबले? ईस्ट की दीवार के मुकाबले और नॉर्थ की दीवार के मुकाबले। आपके यहाँ गोडाउन की भी वेस्ट की दीवार ऊंची रहेगी, साउथ की दीवार ऊंची रहेगी, ईस्ट की और नॉर्थ की दीवार नीचे रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर अपने प्लॉट में और अपने गोडाउन में गेट की, दरवाजों की व्यवस्था कहाँ कहाँ करनी है। सबसे पहले आपने जो गेट बनाना है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, जो आपका अपना ड्राइववे है। दूसरा, यहाँ पर पिलर आ जाएगा, इस पिलर की मोटाई आपकी अपनी दीवार के बराबर होनी चाहिए। दूसरा गेट आपका यहाँ आ जाएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में। दोनों ही गेट अपने आप में इस हिसाब से होने चाहिए कि आपके यहाँ कंफर्टेबल जो गाड़ी आई है माल लेके वो अंदर चली जाए। कभी भी टाइट गेट, छोटे गेट नहीं लगाने हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी साइज की आपके यहाँ गाड़ी आ सकती है। लंबी गाड़ी भी आ सकती है, छोटी गाड़ी भी आ सकती है। छोटी गाड़ी को कभी दिक्कत नहीं है, लंबी गाड़ी जब भी आएगी तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा गेट का साइज आपने बड़ा रखना है, चौड़ाई में बड़ा रखना है। इसी के साथ साथ गोडाउन के गेट कहाँ कहाँ बनाने हैं। जो आपका फ्रंट का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच का गेट है, इसी गेट के सामने गोडाउन का गेट भी आपने बनाना है। इसी के साथ साथ आपने ईस्ट में भी एक गेट बनाना है, ऐसे ही नॉर्थ में। ये जो दोनों गेट बने हैं, एक गेट बना है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, दूसरा गेट बना है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का। वेस्ट के गेट के मुकाबले ईस्ट का गेट बड़ा होना चाहिए। नॉर्थ में गेट अपनी आवश्यकता अनुसार रखें, क्योंकि आपके यहाँ जो गाड़ी माल लेके आई है वो लंबी गाड़ी ट्वाला जब माल लेके आएगा तो सीधा यहाँ आके अपना ट्वाला लग जाएगा और यहाँ से माल अनलोड हो जाएगा। या फिर आपके यहाँ इस गेट से गाड़ी सीधी अंदर आई, गोडाउन का शटर खोलने के बाद गाड़ी सीधी अंदर लग गई, माल अंदर लग जाएगा। दूसरी गाड़ी आपकी यहाँ लगी, माल ले जाने वाली, वो गाड़ी आपकी यहाँ से माल निकलेगा और यहाँ गाड़ी में लोड कर दिया जाएगा, गाड़ी चली जाएगी। इस तरीके से आपने अपने यहाँ पे सेटअप बनाना है। अब इसमें मैं आपको कुछ और ख़ास बातें बताना चाहूँगा। आपने अपने यहाँ पे जो ओपन एरिया छोड़ना है, साउथ के मुकाबले नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट के मुकाबले ईस्ट में भी ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पे फर्श की ढलान कैसे करनी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर, साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप करना है। आपने अपने यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इस एरिया में बनानी है, दूसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने यहाँ बनानी है। यहाँ आपका पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनेगा ही, पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी। ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में या नॉर्थ के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं भी इनको मैनेज कर सकते हैं। आपने अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग करनी है, आप बोरिंग यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। बोरिंग मतलब सबमर्सिबल आपने कोई लगाना है। जो आपके यहाँ बरसात का पानी आएगा उसको निकालना कहाँ से है? जब पानी कंप्लीट आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर आ जाएगा, जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जाएगा चला जाएगा, उसके बाद सारे पानी को यहाँ से भी लाइन आ जाएगी और यहाँ से भी, ये नाली बनेगी आपकी दीवार के साथ साथ, यह अंडरग्राउंड पाइपलाइन आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आपने पानी को बाहर निकालना है। आपने अपने गोडाउन में फर्श की जो ढलान करनी है, जो स्लोप करना है, कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप करना है।
ढलान करनी है, और जो आप सेट डालेंगे, चदरें लगाएंगे, उसकी जो ढलान करनी है वो ढलान, वो स्लोप आपने कंप्लीट ईस्ट की ओर। सेकंड ऑप्शन में आप नॉर्थ की ओर भी कर सकते हैं, ईस्ट की ओर स्लोप होना चाहिए चदरों का, या फिर नॉर्थ की ओर स्लोप होना चाहिए। फर्श की ढलान टोटल सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की ओर जानी चाहिए। आपको अपने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करना है। अब इसके अंदर आपने जो फ्रंट में आपने यहाँ पे गार्डरूम बनाना है, गार्डरूम आप यहाँ बनाए, मीटर रूम भी आपका यहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक रूम। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पे जो ड्राइवर का कमरा बनाना है, जो ड्राइवर्स आते हैं उनका कमरा भी यहीं बनेगा, और इन लोगों के लिए टॉयलेट भी यहीं बनेगी। आपको कोई एक दो कमरा चाहिए लेबर रूम, तो वो कमरे भी आप यहीं पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी जो कमरे बनेंगे, इनकी भी छत की जो ढलान देनी है, जो स्लोप देना है, वो सारा का सारा ईस्ट की ओर ही होना चाहिए। आप अपने यहाँ पे जो गोडाउन बना रहे हैं, उस गोडाउन के अंदर आपको अपना ऑफिस ब्लॉक बनाना है। वो ऑफिस ब्लॉक आपका अपना गेट के बाजू से ही, जितनी जगह आपको चाहिए आप यहाँ पर अपना ऑफिस ब्लॉक बनाएं। आप ये चाहते हैं भाई हमें गार्ड रूम बाहर फ्रंट में ओपन एरिया में नहीं देना, गोडाउन के अंदर ही देना है, तो आप फ्रंट में इसी तरीके से यहाँ गार्ड रूम आ जाएगा, यहाँ ड्राइवर रूम आ जाएगा, इसके साथ में टॉयलेट आ जाएगी, अपना अकाउंट वालों का स्टाफ आ जाएगा, उसके बाद एक टॉयलेट आ जाएगी, टॉयलेट के बाद आपका अपना ऑफिस आ जाएगा, फिर रेस्ट रूम आ जाएगा, उसके बाद आपकी अपनी टॉयलेट आ जाएगी, टॉयलेट के बाद आपकी अपनी किचन आ जाएगी, फिर आपका स्टोर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर भी सेटअप कर सकते हैं। ऑफिस ब्लॉक का जो साइज है वो आपकी अपनी आवश्यकता अनुसार, आपको एक कमरे से काम चलता है या आपने चार कमरे बनाने हैं। आप अपने यहाँ पे कंप्लीट इस सेटअप के अंदर जो व्हाइट वॉश जो कलर करना है वो कंप्लीट ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर करेंगे। जो कैंची लगेंगी, जो चदरें लगेंगी, चदरों में जो कलर आता है वो कलर आएगा ही। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, दीवारों पे जो कलर करना है वो ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर। जो ऑफिस के अंदर कलर करना है वो भी आपका वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर ही आएगा। फर्नीचर लाइट ब्राउन कलर का आएगा ही आपका अपना। आपको इसके बाद भी लेबर के कमरे बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर बनाए हुए कमरे कम पड़े तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में आप अपने लेबर के कमरे बना सकते हैं। किसके अंदर? गोडाउन के अंदर। आपको लगता है गोडाउन के अंदर कमरे नहीं बनाने, हम गोडाउन से हटके कमरे बनाना चाहें तो यहाँ कमरे नहीं बनाने, सेट के साथ चिपकते हुए। फिर आप आउटर बाउंड्री वॉल के साथ कमरे बना सकते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर तक, ये कमरे बिल्कुल गलत है, ये अंदर बने तो सही। जो आपके यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनेगा, लाइटिंग का एक टैंक भी बनाना पड़ेगा। आपके अपने ऑफिस में जो लाइटिंग बनेगी, स्टाफ की लाइटिंग बनेगी, वो टैंक आपका अपना यहीं से पाइपलाइन बाहर निकाल के यहाँ पर आप अपना सेफ्टी टैंक बना दीजिए। कहाँ पर? जहाँ आपके अपनी बाहर ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, ग्रीन बेल्ट जो बनेगी। आपको अपने यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनाना है, और सेफ्टी टैंक का जो स्थान मैंने बताया है उस स्थान पर आप सेफ्टी टैंक नहीं बना सकते। फिर मैं आपको कहूँगा सेफ्टी टैंक आपने जो आपका ड्राइववे बनेगा इस ड्राइववे के अंदर इस तरीके से सेफ्टी टैंक बनाना है आपने। जो गाड़ी आपके यहाँ माल लेके आएगी, किसी भी गाड़ी का पहिया नहीं आए, बिल्कुल मिड में सेंटर में सेफ्टी टैंक बनाना आपने। किसके? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। यहाँ पर ये आपकी गाड़ी का सही जा गया। इस तरीके से मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाने का एक सेटअप बताया। आपको किस तरीके से अपने यहाँ पे
बिल्डिंग बनानी है। यदि आप इस तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है इस गोडाउन में, इस बिल्डिंग में किसी भी चीज़ का कोई भी माल आता है वो कभी भी आपको नुकसान दे के नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ जिसके पास भी जाएगा उसको भी उस माल में नुकसान नहीं लगेगा, आपको कभी भी माल मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आपके यहाँ आया हुआ माल समय पर माल बिकेगा, कभी भी पुराना माल होके नहीं बिकेगा। आपने गलती से माल महंगा भी खरीद लिया तब भी वो माल बिक जाएगा, बढ़िया रेट में बिक जाएगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। आपने अपने यहाँ पे माल रखना किस तरीके से, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले जो गाड़ी आपकी यहाँ माल लेके आएगी वो माल आपने यहाँ साउथ वेस्ट में इस हिस्से में वो माल लगाना है। उसके बाद दूसरी गाड़ी आपकी आ गई, फिर आपकी तीसरी गाड़ी आ जाती है, चौथी गाड़ी आ जाती है, पांचवी गाड़ी आ जाती है आपकी अपनी, छठी गाड़ी आ जाती है, सातवीं गाड़ी आ जाती है आपके यहाँ, आठवीं गाड़ी आ जाती है, नौवीं गाड़ी आ जाती है, दसवीं गाड़ी आ गई। इस तरीके से ग्यारहवीं गाड़ी आ जाएगी, बारहवीं भी आ जाएगी, तेरह चौदह पंद्रह, इस तरीके से जितना स्पेस आपके पास है उस तरीके से माल लगता चला जाएगा। माल लगाने में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ब्रह्म स्थान केंद्र को सेंटर को खाली छोड़ना है, हमेशा ही खाली छोड़ना है। केंद्र कौन सा, जो प्लॉट का बनेगा इस कॉर्नर से, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, इस कॉर्नर के बीच में जो लाइन लगेगी, ऐसे साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बीच में जो डायगोनल लाइन आएगी, जो केंद्र बनेगा, उसको आपने खाली छोड़ना है। इसी तरीके से जो आपका शेड का अंदर के पोर्शन का भी जो केंद्र बनता है उसका भी खाली छोड़ना है। जैसे आपका एक केंद्र ये बना, दूसरा केंद्र ये बना, तो इस हिस्से में आपने कोई भी माल नहीं लगाना है, इस एरिया को आपने हमेशा ही खुला खाली रखना है। आप इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आप कभी भी नुकसान में घाटे में नहीं जाएंगे, आप हमेशा ही फलीभूत रहेंगे। और इस तरीके से तैयार किया हुआ गोडाउन हमेशा ही प्रॉफिट देता है, हमेशा ही उस स्थान पर लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, कभी भी लक्ष्मी पीछे नहीं रहती ऐसे स्थान पर आने के लिए। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके यहाँ उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी का प्रवेश होता चला जाएगा। आपको कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, आप हर वक्त काम करना चाहेंगे, आपके शरीर की एनर्जी भी कभी कम नहीं होगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप एक बार इस तरीके से सेटअप को करके देखिए। जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, इसी के साथ साथ अपने सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक फैक्ट्री के अंदर, चाहे गोडाउन का साइज वो छोटा है चाहे बड़ा है, गोडाउन जरूर बनाया जाता है, चाहे कच्चे माल का गोडाउन बनाया जाए चाहे तैयार माल का गोडाउन बनाया जाए, माल रखने के लिए गोडाउन बनाए ही जाते हैं। हर एक गोडाउन का इस तरीके से यदि हम सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है उस गोडाउन के अंदर भी हमेशा ही माल बिकने के लिए तैयार रहेगा, आने के लिए तैयार रहेगा, मशीनों से माल आने के लिए तैयार रहेगा, कभी भी माल आने में दिक्कत नहीं होगी ना जाने में दिक्कत होगी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।